गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। थर्ड टॉपिक है ये, दैट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ आपने 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि कोई भी अगर एक्शन है तो उसके अपोजिट क्या होगा, एक रिएक्शन होगा जो कि उसके क्या होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा। लाइक जैसे आप बोलते हो कि हाँ आपने किसी को स्लैप किया, देन वो भी क्या करता है, आपको स्लैप करता है। दैट दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। बट नो, दिस इज नॉट द केस। ये 9th के अकॉर्डिंग तो आपका सही है, बट 11th के 11th में जैसे आप आ रहे हो तो इसमें होता क्या एक्चुअल में, कि जब आप किसी को स्लैप कर रहे हो तब क्या हो रहा है, आपका जो हैंड है वो उसके चीक्स पे ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। और जब आपके हैंड ने चीक्स के ऊपर फोर्स लगाई, सिमिलरली जो आपके चीक्स हैं वो भी हैंड के ऊपर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। दिस इज द एक्चुअल केस। ये हमारा एक्शन था और जो चीक्स ने हैंड के ऊपर लगाई, दैट इज द रिएक्शन। बट अब क्या है, आपको इसमें दो तीन पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ कैसे होता है। आपका टॉपिक है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, आप क्या बोलते हो, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब आप क्या बोल सकते हो, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर। अब अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे यहाँ पे सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास अगर एम है तो ड्यू टू ग्रेविटी इसका मास डाउनवर्ड एक्ट करेगा एम जी, ऊपर क्या लगेगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो क्या ये यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर है? माई क्वेश्चन इज हेयर, दैट इज इट एक्शन एक्शन एंड रिएक्शन पेयर? तो आपका आंसर क्या होगा, यस। बट नो, दिस इज नॉट द केस। न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए कि जो एक्शन एंड रिएक्शन है, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन है जो, ये हमेशा अलग अलग बॉडीज पे एक्ट होती हैं। सेकंड क्या है आपके पास, कि जो आपका एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर शुड बी ऑफ सेम नेचर, शुड बी ऑफ सेम नेचर। इनका जो नेचर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। थर्ड क्या है आपके पास, फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, कि आपकी जो फोर्स है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पेयर में एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब देखिए, जो यहाँ पे मास है, और मैं इसी डायग्राम को दोबारा से बना रही हूँ, कि जहाँ पे आपके पास ब्लॉक है, ठीक है, इस पे आपके पास डाउनवर्ड क्या लग रहा है, वेट, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, दिस इज योर अर्थ, तो अर्थ क्या करेगी, ड्यू टू ग्रेविटी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बट सेकेंड पॉइंट समझा रही हूँ मैं आपको, कि ये सेम नेचर के कैसे होते हैं, अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल पुल के कारण इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सिमिलरली जो हमारे पास मास है, ये भी अर्थ को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। कि अगर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है तो दोनों ग्रेविटेशनल होने चाहिए, अगर आपके पास ये नॉर्मल रिएक्शन है तो दोनों क्या होने चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन। लाइक आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो मास है, मास, ये जो सरफेस है, इसने मास के ऊपर क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड की तरफ। सिमिलरली जो ये मास है, ये सरफेस के ऊपर क्या लगाएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन डाउनवर्ड। तो दिस इज शुड बी ऑफ सेम नेचर, और जो फोर्स है हमेशा वो क्या करती है, पेयर में एग्जिस्ट करती है आपके पास। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, कि आपके पास n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम जी। दिस इज अ बेसिक। अब इसी के ऊपर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, एच सी वर्मा की एग्जाम्पल है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, कि आपके पास कोई मंकी है, ठीक है, वो क्या है, किसी स्ट्रिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं,
देखिए, लेट हेयर इज अ मंकी, मान लो ये आपके पास कोई स्ट्रिंग है, यहाँ पे क्या है, कोई मंकी है, ठीक है, जो इसकी टेल है। तो ये मंकी क्या करेगा, अब ये मंकी इस स्ट्रिंग को क्या करेगा, नीचे फोर्स एफ से खींचेगा, इसके ऊपर जाएगा, इसको नीचे की तरफ खींचेगा, फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा, और टेंशन सेटिंग में कहाँ रहेगी, ऊपर की तरफ। अब मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपकी है, एक्सेलरेशन भाई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मास मंकी का मान लो, लेट मास ऑफ द मंकी इज 10 kg, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, टेंशन फाइंड आउट करनी है। अब ये एक्सेलरेशन ए से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये अगर आपको ऊपर लग रहा है तो ऊपर का हमारे पास क्या लगेगा, पॉजिटिव फोर्स, और नीचे इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, दैट इज एम जी। इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, नेट फोर्स है जो, वो किसके इक्वल होता है, एम ए के। तो नेट फोर्स कितनी आएगी, ऊपर एक ये क्या लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा यहाँ पे, नहीं ऊपर तो हमारे पास टेंशन लग गई इस केस में स्ट्रिंग में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इस केस में, अगर हम इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, ये मंकी है, नीचे क्या है वेट, ऊपर क्या है, ऊपर चढ़ रहा है तो ऊपर क्या लग रही है आपके पास, टेंशन, और ऊपर एक फोर्स और लग रही है हमारे पास, दैट इज एक्सेलरेशन। तो क्या हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, टी माइनस, ऊपर वाली फोर्स पॉजिटिव क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, ये वाली नेगेटिव, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, एम ए। टेंशन हमें फाइंड आउट करनी है, फाइंड टेंशन इन दी स्ट्रिंग, टी माइनस मास मंकी का 20 है, एक्सेलरेशन कितनी है 10, मास अगेन मंकी का 20, एक्सेलरेशन कितनी है, लेट ए की वैल्यू आपको दे रखी है 20 से वो ऊपर जा रहा है, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है 20, तो टी माइनस 200 इज इक्वल टू 400, और टी इज इक्वल टू 400 प्लस 200, दैट इज टी इज इक्वल टू 600 न्यूटन, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, टेंशन फाइंड आउट करनी है इन दी स्ट्रिंग। अब मान लीजिए आपको टेंशन दे रखी हो, नोट इट आफ्टर पॉजिंग द वीडियो, नाउ वी टेक नेक्स्ट मेडिकल। नेक्स्ट में देखिए क्या है कि आपके पास अगेन मंकी है, लेट दिस इज अ सेटिंग, यहाँ पे मंकी है, ठीक है, दिस इज मंकी। अब आपके पास जो टेंशन है स्ट्रिंग में, वो दे रखी है कि 1000 न्यूटन तक ये ब्रेकअप नहीं होगी आपकी जो स्ट्रिंग है, ठीक है। आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है कि ये कितनी एक्सेलरेशन से ऊपर जाए कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो ब्रेकअप ना हो। मास मंकी का लेट इस केस में है 40 kg, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आपके अगेन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। फाइंड ए बाय विच मंकी क्लाइंब अप द स्ट्रिंग सेफली। अब क्या होगा हमारे पास, अगेन मंकी इसको नीचे की तरफ खींचेगा एफ फोर्स से, उतना ही उसमें क्या लेगा, टेंशन लेगा, क्योंकि फोर्स हमेशा क्या है, पेयर में एग्जिस्ट होती है, इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगेन हमारे पास एफ पी डी क्या बन गई, फ्री बॉडी डायग्राम, वेट नीचे की तरफ, टेंशन ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन अगेन ऊपर की तरफ, अगेन आपका एफ नेट किसके इक्वल है, एम ए के, ऊपर टेंशन माइनस में एम जी इज इक्वल टू एम ए। टेंशन कितनी है इस पर, 1000, माइनस वेट कितना है मंकी का 40, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10, एम हमारा 40 इंटू ए, तो ये कितना आ गया 1000 माइनस 400, दैट इज 600 अपॉन 40 इज इक्वल टू ए, कैंसल आउट, 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, 2 15, तो एक्सेलरेशन कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर वो इतनी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है तो वो स्ट्रिंग पे सेफली क्या है, क्लाइंब अप हो जाएगा। सिमिलरली इसमें दो केसेस और आते हैं, लाइक अगर हम बेइंग मशीन की बात करें,
वेइंग मशीन का जो मेन काम है, आप कहते हो कि वो वेट मेजर करता है, एक्चुअल में वो वेट नहीं मेजर करता, वो आपका नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। और हम इसी में एक टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज वेइंग मशीन। वेइंग मशीन का मेन काम क्या है कि आपका नॉर्मल रिएक्शन वो मेजरमेंट करता है। मान लो यहाँ पे कोई वेइंग मशीन है, जहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, तो इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, ऊपर ये क्या लगाएगा, ऊपर इसके नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा, एम जी। ये लेकिन उस केस में है व्हेन पर्सन इज इन रेस्ट। अगर आपका पर्सन रेस्ट में है तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये किसको मेजर कर दिया, वेइंग मशीन वेट को। बट अगर हम इसी केस को ऐसे लें कि आपके पास ये मान लो लिफ्ट है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और ये लिफ्ट ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, देन क्या होगा, इसका वेट नीचे एक्ट करेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड की तरफ लगेगा, वेट ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ पे एफ नेट किसके इक्वल हो जाएगा अगेन, एम ए के। तो ऊपर वाली फोर्स एन माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम ए। एम किसके इक्वल हो जाएगा, एम ए प्लस जी। मीन्स जैसे जैसे पर्सन ऊपर की तरफ जा रहा है उसका वेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग क्या उसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली अगर हम इसका दूसरा केस लें, दूसरे केस में क्या है, अगेन पर्सन मान लो यहीं पे है, लिफ्ट अब मान लो नीचे की तरफ आ रही है, नॉर्मल रिएक्शन अगेन अपवर्ड लगेगा, पर्सन का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, अगेन एफ नेट इज इक्वल टू एम ए के अकॉर्डिंग एन माइन सॉरी इस बार एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो एम जी माइनस एन क्या हो जाएगा आपका, एम ए के इक्वल। तो एम जी माइनस एम ए किसके इक्वल आ जाएगा, एन के। एम जी माइनस ए इज इक्वल टू एन। तो अब उसको क्या लगेगा कि उसका वेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तभी हम जब ऐसे किसी भी स्विंग में बैठते हैं, ठीक है, तब हम जब नीचे की तरफ आते हैं तब अगेन हमारे स्टमक में कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, मतलब अगेन गुदगुदी सी टाइप। वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा वेट क्या हो जाता है, ग्रेविटी के कारण वो कम हो जाता है। ठीक है, जी क्या है, जहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो कम हो जाता है, इसी कारण वो हमारे पास फीलिंग आती है उस टाइम। नेक्स्ट आपका लास्ट केस क्या होता है, वेटलेसनेस का। अब अगर ये आपकी लिफ्ट क्या है, किसी केबल से टाई अप हुई होती है, मान लो ये केबल से टाई अप हो रखा है, अब क्या हुआ, वो केबल आपने सीजर से मान लो कट कर दी, ठीक है, अगर केबल कट कर दिया तब उस केस में क्या होगा, पर्सन लिफ्ट आपकी नीचे फॉल होगी, अगेन एन ऊपर की तरफ है आपके पास, नीचे की तरफ आ रही है, अब उसकी एक्सेलरेशन और जी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो एकदम से नीचे आएगा, तो उस केस में आपके पास क्या आएगा, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए होता है, एम ए की जगह पे जहाँ पे एक्सेलरेशन और ग्रेविटी बराबर है, एम जी कैंसिल, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो। तो पर्सन को क्या लगेगा कि उसका वेट है ही नहीं, वो फ्रीली फॉल हो रहा है, दैट इज द सिचुएशन ऑफ वेटलेसनेस। थैंक यू।